आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अटके राजस्व कामों को अब गति मिलेगी क्योंकि लंबे समय से चल रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएमआर पर सीएम गहलोत से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म हो गई। इस दौरान सरकार और पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल के बीच वरिष्ठ पटवारी अधिकारी का पद सृजित करने पर सहमति बनी। हड़ताल समाप्ति के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से खास बातचीत की सहयोगी नरेश शर्मा ने। प्रदेश में लंबे समय से चल रही पटवारियों की हड़ताल आज आखिरकार खत्म हुई है। किन मुद्दों पर सहमति बनी है, क्या आगे प्लानिंग रहेगी और किस तरह से राजस्व विभाग एक बार फिर पटरी पर आएगा, इसके लिए हम बात करते हैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से। हरीश जी, करीब 5 महीने लंबी हड़ताल है, काफ़ी कोशिशें सरकार की तरफ से पहले भी हुई थी लेकिन तब सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद अब लगता है सब कुछ सही हो गया। आज मुख्य सचिव और पटवार संघ के प्रतिनिधि, उनके प्रदेशाध्यक्ष नैनीवाल जी और बाकी दूसरे प्रतिनिधियों की वार्ता हुई और कुछ सिद्धांतिक सहमति हुई, और वो सिद्धांतिक सहमति माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मैं खुद भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे, उसकी चर्चा हुई और सिद्धांतिक सहमति अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार के मुखिया ने दी। और काफ़ी लंबे समय से जो हड़ताल चल रही थी वो आज समाप्त हुई। किन बिंदुओं पर सहमति बनी है हरीश जी, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि इतने दिन क्या हुआ जो सहमति नहीं बन पाई और आज ऐसा क्या हुआ जो तुरंत काम हो गया। देखो, हड़ताल के बाद जो हालात हैं राजस्थान के, पूरे देश और दुनिया की, कोरोना के सेकंड वेव, तो पूरी की पूरी सरकार की प्राथमिकता कोविड थी। जैसे ही कोविड सेकेंड समाप्त हुआ, संवाद हुआ, वार्ताएँ हुई और लगभग हफ्ते भर के अंदर लगातार जब संवाद हुई, वार्ता हुई, तो इस निष्कर्ष के ऊपर आज दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर आई कि हड़ताल उन्होंने समाप्त करी। जो उनकी कई मांगें थी, उनमें से कई मांगों के संदर्भ में तत्कालीन फैसला किया गया, जैसे पटवारियों की एक अतिरिक्त पद सर्जन, जिसे वरिष्ठ पटवारी के रूप में, उसके लिए सहमति हुई, सिद्धांतिक सहमति हुई। हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने के संदर्भ में सहमति हुई। जो गैर वित्तीय उनकी मांगे थी उस संदर्भ में राजस्व सचिव की अध्यक्षता के अंदर समिति, और जो वित्तीय मांगे उसके अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि पूरे कर्मचारी, संपूर्ण कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन होगा, उसके माध्यम से उनकी भी बातों को वो रखेंगे और आने वाले समय में अनुरूप फैसला किया। काश्तकार है, आमजन है, ये ज़रूर इस बात से परेशान थे क्योंकि पटवारियों से सीधा सीधा काम उनका पड़ता है, तो लगता है कि आपके विभाग में जो प्रतिकूल असर पड़ा वो जो पटवारी हड़ताल खत्म होने के बाद पटरी पे आ पाएगा। हाँ, प्रतिकूल असर पड़ा है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो अतिरिक्त चार्ज वाले पटवार हल्के थे उसके अंदर उन्होंने बहिष्कार कर रखा था। जो अतिरिक्त चार्ज वाले तमाम पटवार हल्के में पिछले दिनों के अंदर प्रतिकूल असर पड़ा है। विभाग ने फैसला भी लिया कि उनके उच्च अधिकारी वो कार्य करेंगे, पर उच्च अधिकारियों की भी प्राथमिकता कोविड होने के कारण पिछले दिनों के अंदर प्रतिकूल असर पड़ा है। पटवारियों की मांगें जायज़ थी, पटवारियों के जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए भी आने वाले समय के अंदर जो अतिरिक्त मांगे उसमें भी अनुकूल फैसला करेंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोविड कहीं न कहीं एक कारण बन रहा था, लेकिन लगता नहीं 5 महीने काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, ये समय थी बहुत पहले बन सकती थी, कहीं प्रयासों में कहीं ये कह सकते कमी रही है। नहीं देखो, पिछले 2-2.5 महीने से तो बिल्कुल ही हर चीज़ ठप सी थी। जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो किसी को भी संवाद का भी हम लोगों का प्राथमिकता नहीं थी। मैंने स्वयं ने भी लगभग 50 दिन तक मेरे खुद के राजस्व विभाग के जो अनिवार्य कार्य है उनको से भी पहले प्राथमिकता कोविड को दे रखी थी। तो तमाम पटवारियों ने भी उस वक्त अपनी मांगों के संदर्भ के अंदर से ज़्यादा प्राथमिकता, और जो उनके अतिरिक्त हल्के जो उनके जहां बहिष्कार किए हुए थे उन्होंने वहां कोविड का कार्य तो किया, तो पूरा देश और दुनिया के अनुरूप भी राजस्थान के अंदर भी हमारी प्राथमिकता कोविड का कार्य थे। और जैसे ही कोविड की सेकेंड लेयर नियंत्रण हुई, हम लोग बैठकर और आज इसे निष्कर्ष पर, नतीजे पर पहुंचे। देर आए दुरुस्त आए, तो एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जो प्रशासन गांवों के संग अभियान, जो सरकार की मंशा थी, आपकी मंशा थी, अब चल पाएगा, अब सुचारू हो पाएगा, लोगों को सुविधा मिल पाएगी? ये प्रशासन गांवों के संग अभियान का कब शुरू हुई, उसमें सबसे अहम कोई हमारा
बात रहेगी वो कोविड की, कोरोना की क्या स्थिति रहेगी। भारत सरकार ने जो जनगणना का कार्य जो अनिवार्य तौर के ऊपर हर 10 वर्ष के अंदर होता है वो कार्य भी लगातार उनको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो कोविड की क्या स्थिति रहेगी। अगर कोविड नियंत्रण में होगा, कोविड समाप्त हो जाएगा तो बिल्कुल प्रशासन गाँवों के संग मजबूती से नीचे धरातल के ऊपर हम कैंप के माध्यम से करेंगे, और कोविड नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम लोगों की प्राथमिकता कोविड ही है। बिल्कुल, तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जिन्होंने कहा है कि पटवारियों की मांग है वो जायज़ थी, अब हड़ताल खत्म हो गई है और अब उम्मीद है कि फिर से राजस्व विभाग पूरी सक्रियता के साथ पूरी तन्मयता के साथ काम करेगा और अब पटरी पे आ पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।